सलावात। अच्छा माजरत के साथ ये थोड़ा सा स्टेज इस तरफ का खाली करना होगा क्योंकि अभी कुछ लोग आने वाले हैं जिसके लिए ये जगह खाली करनी होगी। अख्तर भाई आप आ गए हैं यार, बच्चों को पीछा करें। अख्तर भाई आप आ गए हैं, ठीक है थोड़ा सा पीछे करें। यहाँ कैसे हैं अली भाई? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصحره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرذين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العلي العظيم صلوات أعزائنا الكرام سلسلة کی پانچویں مجلس ہے حکمت پروردگار کو آپ کی خدمت میں سورہ جمعہ کے چند ابتدائی صرف دو آیات کو بھی پیش کر پایا ہوں مطالب پیش کر رہا ہوں اللہ نے افضل ترین نبی ہمیں عطا کیے ساری امتیں ایک طرف اور یہ امت ایک طرف اور یہ امت امت محمدی ہے اس امت کو تمام امتوں پہ شرف ہے اس امت کو تمام امتوں پہ فضیلت ہے توجہ سارے مجمع کی اس امت کو تمام امتوں پہ فضیلت بڑے بڑے جلیل القدر میرے مہمان بیٹھے ہیں تھانوی صاحب کا اور دیگر تمام علماء کرام بہت سے معتبر افراد سیاستدان آپ جانتے ہیں میں سیاستدانوں کے نام نہیں لیتا ہوں جملے کو سن لیجیے گا شاید یہ ابتدا کے اندر جملہ قابل ادراک ہو میرا اگر یہ ٹوٹا پھوٹا جملہ پہنچ جائے آپ تک تو دارِ گرامی یہ امت افضل ترین امت ہے اسے شرف یہ ہے کہ یہ امت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو سب پہ فضیلت اس امت کو سب پہ شرف کیوں کیونکہ حبیب خدا کی امت اس امت کو تمام امتوں پہ پیسہ ان کے پاس زیادہ حکومتیں ان کے پاس زیادہ دولت ان کے پاس زیادہ نام و نمود ان کے پاس زیادہ لیکن فضیلت ہماری زیادہ کیوں کیونکہ ہم رسول خدا کی امت ہیں
जिस नबी की उम्मत सबसे अफजल उम्मत है तो क्या उसकी आल पहुंच गए? तो क्या उनकी आल तमाम अंबिया की आल से अफजल नहीं होगी? जिनकी उम्मत को सब पे फजीलत, उनके अहले बैत को भी सब पे फजीलत। ममनून मोहब्बत ग्रामी, चलते रहिएगा। तो अल्लाह सुबहान व तआला ने अफजल तरीन, मैंने जहां तक बात को पहुंचाया था, उसकी हिकमत क्या है? सबसे अफजल नबी सरवरे कायनात। दलील क्या है? अल्लाह ने सबसे बड़ा मोजजा अपने हबीब को दिया और वो है कुरान करीम। मैं पहले पेश कर चुका कुरान अहले बैत, अभी तफसील का वक्त नहीं। सबसे बड़ा मोजजा कुरान करीम रसूल खुदा को दिया, किसी नबी के पास ऐसा मोजजा नहीं। अंबिया को किताबें दी, सहीफे दिए, बदल गए। कयामत तक के लिए कुरान बाकी है। अजाने गिरामी, जब कुरान कयामत तक के लिए बाकी है तो फिर वारिसान कुरान भी। वारिसान कुरान भी कयामत तक के लिए बाकी हैं। तो अजाने गिरामी, मुझे सिर्फ आज वारिसान कुरान को पेश करना है कि हिकमत क्या है परवरदिगार की, कि उसने जब कुरान किताब आम नहीं, जब किताब आम नहीं तो फिर वारिस भी आम नहीं है। अब पहुंच रहा है तो मेरे ख्याल में अंदाजा हो गया होगा मेरे मजमे को, मैं कहां जा रहा हूं आज। भाई इसी मोहब्बत से चलिए, पहुंच गए। मुझे पूरी तरह से एहसास है, सारा दिन बारिश होती रही है उसके बावजूद भी जो जम्मे गफ़ीर यहाँ है, मोमिनीन मोमिनात बच्चों के साथ जिस तरह से लोग खड़े हुए सुन रहे हैं, मैं कुछ नहीं सिवाय दुआ के कर सकता कि जनाब सैयदा आपका आना कबूल फरमाए। तो जाने गिरामी, मुझे जो पेश करना है आज, और ख़ास तौर से कुरान बहुत अहम है इन दिनों में। तवज्जो, कुछ लोग पहुँच गए हैं भाई। कोई बदबख्त जलाने की कोशिश कर रहा था ना, हमेशा यही कोशिशें की गई हैं, कुरान जो लिखा हुआ है उसे भी जला के खत्म कर दिया जाए, और वो जो बोलता हुआ कुरान है चल रहे हैं। हैदरी, तवज्जो फरमा रहे हैं। तो अजाने ग्रामी, इसी मोहब्बत से चलते रहिएगा। तो अब ये स्वीडन हो, मैं भी इत्तफाकन हो के आ रहा हूँ, ये मैं ईद गदीर पे गया हुआ था, और जिस दिन मैं पहुँचा हूँ तो उसी दिन बहुत बड़ा मुजाहरा था, और वहाँ की टीवियों ने मेरा इंटरव्यू भी लिया, सब कुछ हुआ। मैंने भी बोला कि भाई ये हमारी गैरत का मामला है, कुरान करीम हमारी गैरत का मामला है, तमाम मुसलमानों की गैरत का मामला है, सरवर कायनात और कुरान करीम। और क्योंकि सरवर कायनात कह गए कि इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन किताब अल्लाह व इतरती अहल बैची, कि मैं तुम्हारे दरमियान दो गरा कदर चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, अल्लाह की किताब और अपनी इतरत, अपने अहल बैत। तो अल्लाह ने क्योंकि अपने हबीब के ज़रिए हमें दो चीज़ें अता की हैं, मुझे आज कुरान करीम को पेश करना है और वारिसान कुरान को। तो जिंदा मौजज़ा, ये सारी दुनिया क्यों भाई अगर जला देंगे तो क्या और कोई कुरान नहीं है? लेकिन वो जानते बूझते हुए मुसलमानों की गैरत को दावत देते हैं। वो चाहते ये हैं कि जिस तरह से और अदियान की, माजरत के साथ अगर मुझे बहुत से लोग मिलते हैं कि भाई मैं मुसलमान नहीं हूँ, बहुत से मसीही बिरादरी के हमारे यहाँ बैठते हैं,
हिंदू बरादरी के हम मजलिस में आते हैं, मुझसे चंद अफराद सिख मिले कि हम मजलिस में आ रहे हैं, काला लिबास पहन रखा था, आप शक्ल देखेंगे नहीं पहचान सके, हिंदू ईसाई सब आते हैं। तो जाने ग्रामी किसी की दिल आजारी मकसूद नहीं, हाथ जोड़ के पहले से माजरा चाह रहा हूं, लेकिन जुमला कहे बगैर मैं नहीं रहूंगा। हुआ यह है कि तमाम अदियान के जो मुकद्दसात हैं, जो उनके नबी या उनकी किताब, उसकी तौहीन करने के बाद क्या किया है कि उन सब की गैरत को उन्होंने मार दिया। अब बार बार वो मुसलमानों की गैरत को दावत देते हैं ताकि इनकी गैरत को सुला दिया जाए। हम आज बता रहे हैं हम अली वाले हैं। कुरान करीम हमारी गैरत का मामला है, तो इसके ऊपर कभी भी समझौता नहीं होगा। अज़ाने ग्रामी तो मैं जो जुमले पेश कर रहा हूं, तो कुरान जिंदा मौजज़ा रसूल खुदा का, आज कोई भी इसका जवाब नहीं ला सका। 1400 बरस गुजर गए और ये कहते थे नहीं बाद में जमा किया गया है। बरतानिया की तमाम न्यूज़ के ऊपर आया है, तमाम बड़े बड़े चैनलों पे, बगैर किसी चैनल का नाम लिए प्रमोट क्यों करूं, तमाम उनके चैनलों पे आया है कि एक कुरान करीम मिला बर्मिंगम यूनिवर्सिटी के अंदर। बर्मिंगम यूनिवर्सिटी जो बरतानिया की बड़ी यूनिवर्सिटी में होती है, मिला कुरान करीम का नुस्खा, उसके जो कागज़ था उसका वो सीधा था। अब मैं औराक कहूँ मुकद्दस औराक, क्योंकि हमारे नज़दीक मुकद्दस है, कुरान करीम है उस पर तवज्जो, वो औराक भी मुकद्दस हैं, वो हिरन की खाल भी मुकद्दस है जिस पे कुरान लिखा हो, वो सोने की तारें भी मुकद्दस, जो कुरान के खिलाफ पे हो वो मखमल का कपड़ा भी मुकद्दस नहीं है। मजमा मखमल का कपड़ा मखमल नहीं है, ये कुरान का कपड़ा है, ये सोने की तार नहीं है, ये कुरान पे लगाई गई है। अब ये तार नहीं, ये कुरान से वाबस्ता, ये मखमल का कपड़ा नहीं, ये कुरान से वाबस्ता, ये हिरन की खाल नहीं, ये कुरान से वाबस्ता। क़िबला काबा की मौजूदगी में पेश कर रहा हूं, तमाम मुसलमान उलमा, तमाम के तमाम मुसलमान कुरान को चूमते हैं। क़िबला थानवी साहब ऐसा ही है, कुरान को चूमते, क्यों? ये कुरान नहीं अल्लाह का कलाम है, कलाम को चूमते हैं। कुरान बंद भी कर दें तो मखमल को चूमते हैं, कपड़ा कुरान से मंसूब हो चूमने लायक, आल से मंसूब हो। जीते रहो। तवज्जो फरमा रहे थे दाने का, ये हम सोने की जरी के बोसे नहीं देते, चांदी की जरी के बोसे नहीं देते। तवज्जो, ये बहुत से लोग कहते हैं सोने चांदी के क्यों बोसे दे रहे हो, ये मखमल के अलम के कपड़ों को क्यों बोसे दे रहे हो? हम ये मखमल के कपड़ों के सोने चांदी के बोसे नहीं दे रहे, वो जो सोने चांदी की जरी से मंसूब हुसैन है, मखमल के कपड़े से मंसूब आलम अब्बास है। आपकी मोहब्बतों का ममनून हो। तो जाने के रामी जुमलों को पेश कर रहा हूं, आगे बढ़ूंगा। तो अब ये कुरान करीम हमारे नजदीक, क्योंकि हबीब खुदा ने चंद एक बातें कही हैं दुनिया से जाते में, वो हमारे नजदीक बहुत अहम है। आपने फरमाया नमाज, शिया भी अकीदा यही है, मैं क़िबला काबा मौजूद हैं सबके सामने, फ़िक़्ह जाफ़री में भी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु कहो नमाज ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये तीन तकबीरात और फिर सलवात हम क्यों करते हैं? क्योंकि हबीब खुदा सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाते में अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद
हिज्जत अलविदा पे कहा था ये तीन तकबीरें और फिर मुझ पे और मेरी आल पे दुरूद भेजना ये मेरी यादगार है, इसे तर्क ना करना, वाजिब नहीं सुन्नत है, मुस्तहब है, हम आज तक कर रहे हैं। पैगंबर ने कहा सलवात पढ़ना सिर्फ मुझ पे नहीं मेरी आल पे भी। तवज्जो, ला तुसल्लु अलैया सलातल बतरा, दुम कटी सलवात ना भेजना मुझ पे। तो सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम ने कहा या रसूलल्लाह ये दुम कटी सलवात क्या होती है? तो आपने फरमाया जहां मेरा नाम हो मेरी आल का ना हो। सारा मजमा नहीं है? आपने फरमाया मेरा दुश्मन मुझे अबतर कहता था, अल्लाह ने मुझे फातिमा दी है। इसी तरह से चलिएगा। तो जाने ग्रामी आपने फरमाया कि जब भी सलवात पढ़ना कभी ना कहना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, हमेशा कहना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वा आले मोहम्मद। पैगंबर की वसीयत है इसलिए। जाने ग्रामी मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो आपने फरमाया उसी वसीयत में जुमले कहे इन्नी चारकुन फीकुम मुसक्लैन, मैं अब तफसील का वक्त नहीं है, दो गरा कदर चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, अल्लाह की किताब और अपनी इतरत अपने अहले बैत। मैं इन तमस सकतों में हमा लन तदिल्लु बादी बदा इन हमा लन यफ्तरका हत्ता यरदा अलैयल हौद वला तुअल्लिमूहुम इन्नहुम अअलमु मिनकुम। दो गरा कदर चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, ये एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। अगर इनसे वाबस्ता रहोगे कभी गुमराह नहीं होगे। इन्हें सिखाने की कोशिश ना करना, ये तुमसे ज्यादा इल्म रखते हैं। आधा मजमा तो पहुंच गया, बाकी इंतजार में है कि मैं उंगली पकड़ के पहुंचाऊं। तो फिर सुन लो, उंगली पकड़ के पहुंचाना जानता हूं। पैगंबर इस्लाम ने पैगाम दिया उम्मत को, सारी उम्मत को, सारी उम्मत को, दो गरा कदर चीजें छोड़े जा रहा हूं। कहा उम्मत से था और सामने थे सहाबा किराम। अभी भी सारा मजमा नहीं है? सामने थे सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम, उन सब से कहा इन्हें सिखाने की कोशिश ना करना। भाई मैं जानता हूं बड़ी जहमत में बैठे हैं, मुझे अंदाजा है, पानी था, बे इंतहा सख्तियां, लेकिन जुमले सुन लीजिएगा। मैं मुकम्मल मजलिस पढ़ना चाह रहा हूं, यहां के बाद भी मुझे जाना होता है, वहां पे भी वो पूरा इंतजार कर रहे होते हैं कि इसी पूरा सीना लगा के पढ़ो, एक जान है मेरी। तो जाने ग्रामी हाथ जोड़ के पेश कर रहा हूं, सरवर कायनात ने कहा दो करा कदर चीजें छोड़े जा रहा हूं, मैं इस पर अशरा पढ़ चुका हूं, वो बातें यहां नहीं पढ़ूंगा जो अशरे में पढ़ी। अता है जो अभी पेश करने लगा हूं, हाथ जोड़ के बड़ाई नहीं कर रहा, मैं फकीर उनके दर का, वो करीम इब्ने करीम इब्ने करीम। उन्होंने जुमला अता किया क़िबला काबा आपकी दुआ चाहिए, हबीबे खुदा ने कहा ये दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। हदीस है मुतवातिर, यानी उम्मत का कोई आदमी जिसे इनकार ना कर सके, ठुकरा ना सके, मना ना कर सके, उसे कहते हैं मुतवातिर। सारे मुसलमान मानते हैं दो गरा कदर चीजें, कुरान और अहले बैत, ये दोनों जुदा नहीं होंगे। क्या मतलब? मैं हिकमत परवरदिगार पेश कर रहा हूं, सारे मजमे की तवज्जो, नतीजे पे खुद ना जाइएगा। मैंने कहा एक करम हुआ है, एक अता हुई है, पेश कर रहा हूं, शायद आपके लिए भी हो। सारे मजमे की तवज्जो, जुदा नहीं होंगे। शिया सुन्नी दोनों किताबों में इन्नहुमा लन यफ्तरका हत्ता यरदा अलैयल हौज, यहां तक के हौज कौसर पे मेरे पास आ जाएं, ये जुदा नहीं होंगे। क्या मतलब जुदा नहीं होंगे? यानी क्या अहले बैत कुरान पकड़े रखेंगे हमेशा? तवज्जो, कुछ लोग पहुंच गए। क्या मतलब? यानी जाहिरी लिहाज से, मिसाल के तौर पे ये भाई बैठे हैं, ये मौलाना मेरे साथ बैठे हैं, कभी हमेशा साथ साथ रहते हैं, यानी जुदा नहीं होंगे। तो क्या कुरान अहले बैत के साथ साथ चलता रहेगा? तवज्जो, पैगंबर जाहिरी लिहाज से नहीं कह रहे, कुरान है हिदायत।
आधा मजमा पहुंच गया। अता पेश कर रहा हूं मौला की अता, खुदा की कसम अगर आप समझ जाए तो कोई भी खामोश ना बैठे, मौला का वास्ता। सारे मजमे की तवज्जो, कुरान है हिदायत, कुरान हिदायत में गलती नहीं करता। ऐसा ही है तमाम मुसलमानों का अकीदा, कुरान हिदायत में गलती नहीं करता। जो कह दे हर्फ आखिर कुरान की आयत है, इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती ही अक्लम, जो सबसे सीधा रास्ता ये कुरान दिखाता, ये गलती नहीं करता। ला यातिहिल बातिल मिन बैन यदहि वला मिन खल्फे, दो आयतें पढ़ दी, ना सामने से ना पीछे से, कुरान के बातिल नहीं आता। जो बातिल हो वो कुरान के पास नहीं आता। तवज्जो, हाथ जोड़ के, मुकम्मल नहीं हुआ। जो जुमला मौला ने अता किया सुन लीजिए, कुरान गलती नहीं करता, कुरान हिदायत है हिदायत में गलती नहीं करता। अहले बैत हैं वारिस, पैगंबर कह रहे हैं ये साथ साथ रहेंगे, यानी ना कुरान गलती करेगा ना अहले बैत। वारिस वो होगा जो गलती ना करे, जो गलती करे वो वारिस नहीं होगा। जीते रहो बेटा, तवज्जो फरमा रहे हैं से जाने के ना। सवाल, जो गलती ना करे उसी को तो मासूम कहते हैं। तवज्जो, जो गलती ना करे उसी को मासूम कहते हैं। कुरान भी मासूम, वारिस से कुरान भी मासूम। तवज्जो, अभी भी मैं बात नहीं पहुंचा सका। जो गलती ना करे वो मासूम, कुरान हिदायत में गलती नहीं, हिदायत में। मैं सादा कर देता हूं, इसको आसान कर देता हूं। हिदायत का मतलब क्या, अलमोहसिन से निकल रहा हूं, मुझे जाना है यहां से इमाम बारगाह अली रजा। जब निकलूं तो पूछूं भाई मुझे जरा रास्ता बता दीजिए, मुझे इमाम बारगाह अली रजा जाना है। तो कहे मौलाना बाहर निकलेंगे उल्टे हाथ पे मुड़िए। मुझे अंदाजा नहीं, वैसे कह रहा हूं, जो मैं अपनी मजलिस सोच रहा होता हूं, गाड़ी में जो लोग ले जा रहे होते हैं वही ले जाते हैं। बाहर निकले, दाएं लेफ्ट मुड़े, राइट मुड़े, यहां इस सड़क पे जाएंगे, आगे जब पहुंचेंगे नुमाइश पे फलां जगह पे, आपको इमाम बारगाह अली रजा उल्टे हाथ पे मिल जाएगा। इसे कहते हैं हिदायत करना। तवज्जो, अरबी में कहते हैं इसे हिदायत, उर्दू में कहते हैं रहनुमाई। तो कुरान रहनुमाई में हिदायत में गलती नहीं करता। तो फिर वारिस ऐसा तलाश करो जो गलती ना करे, और जो खुद ही मान ले मैं गलती कर लेता हूं, शैतान सवार हो जाता है, वो वारिस कुरान नहीं हो सकता। तवज्जो है मजमे की मेरे साथ, चलते रहिएगा। कुरान के मानने वाले में और कुरान के वारिस में फर्क है, जो पेश करना चाह रहा हूं। हिकमत क्या है, मानने वाले तो हम भी हैं, हम कुरान का एहतराम करते हैं, कुरान की तादीम करते हैं, मस नहीं करते जब तक वजू ना हो। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, है ना सूरह वाकिया के अंदर कुरान करीम के अल्फाज है, मस ना करना इसे जब तक के पाक ना हो।
तो अब सबने जाहिरी तौर पे ये लिखा कि जाहिरी लिहाज से वजू हो तो लिखाई को छू सकते हैं। तवज्जो, शायद एक नया पहलू हो, कुरान करीम को मस नहीं कर सकते। इब्ला काबा, यही मसला है सबके, तमाम फिका में मसला है। लिखाई को, कुरान करीम की मुकद्दस लिखाई को छू नहीं सकते जब तक के बदन पाक ना हो। जिल्द को छू सकते हैं, लिखाई को नहीं। जाहिरी तर्जुमा सबका यही है। बातनी लिहाज से मैं अपना अकीदा पेश नहीं कर रहा, कोई इख्तलाफी बात नहीं करूंगा। क्या जाने गिरामी, कुरान करीम को मस नहीं कर सकते जब तक के जिस्म पाक ना हो। जिस्म पाक हो तो कुरान को मस कर लो। इसीलिए शायद पैगंबर ने फरमाया अली को कोई नहीं मानेगा जब तक शजरे पाक ना हो। हैदरी, भाई यहाँ पे एक बरखुरदार मुझसे बहुत जिद कर रहे हैं कि एक नारा लगा दें। देखें, मौला अली का नारा लगाने के लिए ना ताकत चाहिए होती, पूरा खून जिगर लगता है। तो मैं बस एक नारा लगा रहा हूँ, ये बरखुरदार हैं, हर जगह पहुँचते हैं, इसलिए भाई इनकी मोहब्बत की खातिर तो आप जवाब दे दीजिएगा मेरे मुझ हकीर के नारे का जवाब दे दीजिएगा। नारे हैदरी। बस में मुझे मुकम्मल कर लेने दीजिए, आपकी खिदमत में जो मतालब पेश कर रहा हूं। सूरह फातिर, सूरह फातिर कुरान का 35वां सूरह है। इसके फौरन बाद सूरह यासीन आ जाता है, इससे पहले सूरह सबा है, उससे पहले सूरह अहजाब है। पता नहीं मजमा है या नहीं। भाई जिस सूरह में भी चले जाए ना अहले बैत का जिक्र मिल जाएगा। पता नहीं लोग हैं या नहीं। सूरह फातिर आयत नंबर 32, सुम्मा औरसनल किताब लदीना सफेना में अबा देना। अल्लाह कह रहा फिर हमने अपनी किताब का वारिस अपने बंदों में से उन्हें बनाया है जिन्हें मुस्तफा बनाया है। इबला, आपके दादा ने भी तर्जुमा किया है, मेरे तर्जुमे में गलती हो टोक दीजिएगा, खुदा की कसम बुरा नहीं मनाऊंगा। सुम्मा और असनल किताब लदीन सफेना मिन इबादेना, हमारे बंदों में से एक नहीं जिन्हें हमने मुस्तफा बनाया है, जिन्हें हमने चुना है। तो अजीजाने ग्रामी, उम्मत तो नबी जैसी है नहीं, तो तलाश करो जो नबी जैसे हो। सलामत रहे, सलाम, हाथ जोड़ के। अजीजाने ग्रामी, आप हमेशा सहाबा की बात सुनते हैं रिजवानुल्लाह अलैहिम की, आज सहाबियात की सुन लीजिए। सहाबी मर्द, सहाबिया बीबी खातून, सहाबियात जमा सहाबिया की, तमाम सहाबियात यानी जो मुसलमान खवातीन बीबियां थी जिन्होंने पैगंबर की जियारत की, पैगंबर की जियारत की, तो उन्होंने देख रखा था ना पैगंबर को, उन्हें पता था ना कैसे हैं, उन्हें पता था ना कैसे चलते हैं। सहाबियात फरमाती हैं जब भी फातिमा तशरीफ लाती थी लगता था पैगंबर आ गए। हैदरी, तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के लिए। तवज्जो फरमा रहे हैं, ममनून हूँ आपकी मोहब्बत का। मेरे टूटे फूटे अल्फाज को इस मोहब्बत से आप सुन रहे हैं, मुझे हकीर जैसे को इतनी इज्जत दे रहे हैं। सुम्मा और रसना लदीना, देखें कुरान करीम है ना, तो अब इसके अंदर गुंजाइश नहीं है कि कोई आदमी अपनी बात डाल ले,
कुरान है, अल्लाह का कलाम है, जिंदा मौजजा है। अल्लाह कह रहा फिर हमने किताब का वारिस बनाया अपने बंदों में से, बंदे तो हम सब हैं, लेकिन अल्लाह कह रहा बंदों में से, सब बंदों को नहीं, बंदों में से उन्हें जिन्हें मुस्तफा बनाया, जिन्हें चुना है। आठवें इमाम अलैहिस्सलाम से मामूनुर रशीद ने पूछा, ए फरजंदे रसूल ये कुरान की आयत है, सुम्मा औरसना लदीन सफेना मिन इबादना, हमने अपने बंदों को चुना, तो ये चुना किसे है? दरबार भरा हुआ था, उसने इमाम से सबके सामने सवाल किया, आठवें इमाम से मशहद मुकद्दस के करीब, क्या फरमाइए ये जिन्हें अल्लाह ने चुना वो कौन है? इमाम ने मुस्कुरा के देखा, कहा वही जिन जो सलवात में शामिल हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। उसने कहा कि नहीं, जरा दूसरे उलमा से भी पूछ लीजिए। तो इमाम ने कहा पूछ लो, यहीं पे बैठा। तो उन्होंने कहा नहीं, यहां पे क्या अहले बैत से मुराद आल नहीं है? दीगर उलमा ने कहा क्या अहले बैत से मुराद आल नहीं? इमाम ने कहा बिल्कुल ऐसा ही है, अहले बैत यानी आल। तो इमाम अलैहिस्सलाम से जब उन्होंने पूछा, जब आल है तो रसूल खुदा की हदीस है उम्मती आली, हदीस अच्छा हमारे पास ना भी हो तब भी हदीस है, कहा भाई उम्मती आली, मेरी उम्मत ही मेरी आल है। तो किसे पूछा? आठवें इमाम अलैहिस्सलाम, मेरी उम्मत ही मेरी आल है। इमाम ने कहा ठीक है, मेरा आप लोगों पे से भी सवाल है, क्या आल पे सदका हलाल है? ममनून मोहब्बत कबीला काबा आपकी। इमाम ने सवाल किया क्या आल पे सदका हलाल है? उन्होंने कहा नहीं, आल पे तो सदका हराम है। इमाम ने कहा बताओ फिर क्या उम्मत पे भी सदका हराम है? नहीं, उम्मत पे हलाल है। तो इमाम ने कहा यही फर्क है आल में और उम्मत में। तवज्जो फरमा रहे हैं ऐसे जाने के लिए, इमाम ने वहां 12 आयात की तिलावत की। वक्त तमाम हो गया, इमाम ने वहां 12 आयात की तिलावत की। कभी कैसे पता चले कि कौन आल में है और कौन अहले बैत? इमाम ने कहा ये जो तुमने आयत पढ़ी है ना, सुम्मा और रसना किताब लजीना सफेना मिन इबादना, इमाम ने कहा ये यहां रुकती नहीं है, उसी आयत में मिन हम जालिमुन लिनफ्से, आयत में अल्लाह ने बताया है 3 दस्ते बताएं। पहला मिन हम जालिमुन लिनफ्से, अगर आयत में गलत तिलावत करूं आप रोक दीजिएगा, क़िबला काबा मौजूद है, उनमें अल्लाह कहता है मेरे बंदों में कुछ जालिम है जिन्होंने अपने नफ्स पे जुल्म किया, मिन हम मुख्तसदुन, कुछ म्याना रो हैं, मिन हम साबिकुन बिल खैरात बे इज़्निल्लाह, कुछ ऐसे हैं जो सारे नेक कामों में सबकत लेते हैं। मामून ने कहा मैंने पूरी आयत कभी जहन में सोची भी नहीं थी, पता नहीं लोग हैं या नहीं। अल्लाह कह रहा है हमने वारिस बनाया जिन्हें हमने मुस्तफा बनाया। इमाम कह रहे हैं अगली आयत का अगला हिस्सा पढ़ ले, जवाब वही है। तवज्जो सारे मजमे की तवज्जो। इमाम ने कहा अल्लाह ने 3 दस्ते बताए, पहला दस्ता जालिम, दूसरा मयाना रो, तीसरा साबिकुम बिल खैरात, जालिम जो आले मोहम्मद के दुश्मन, मुक्तसिद मयाना रो जो मानने वाले, और साबिकुम बिल खैरात खुद आले मोहम्मद। इमाम ने कहा जो जालिम वो किताब का वारिस कैसे हो सकता है? आयत ही में, आयत ही में जवाब मौजूद है। अजय जाने ग्रामी कुरान अगर खुद समझेंगे तो खो जाएंगे, और जब अहले बैत समझाएंगे तो कुरान समझ में आएगा। चलते रहिएगा कुछ देर के लिए। तो अजान ग्रामी क्या किया, हबीब खुदा ने मुख्तलिफ तरीकों से तारफ़ करवाया। इमाम ने 12 आयात पढ़ी हैं और आप मुझे जोश दिला रहे हैं, जहाँ तक पढ़ सकता हूँ जल्दी जल्दी आयात की तिलावत का शरफ़ हासिल करूँगा, और जहाँ पे आप लोग थक जाएंगे मैं वहीं मुकम्मल कर दूंगा। कहा भाई आप दलील दिए, इमाम ने कहा इन अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, ये आयत दलील है कि उम्मत और है आल और है। कहा इसमें दुरूद व सलाम तो नबी पे है, कहा और नबी बता गए हैं कि मेरे दुरूद व सलाम में मेरी आल शामिल है।
फिर इमाम ने आयत पढ़ी का इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत, आयत तथहीर की तिलावत की, आया मवद्दत की तिलावत की, आया विलायत की तिलावत की, आयतों के भी नाम है, आया उलिल अमर की तिलावत की, मैंने आयतों के नाम बता दिए हैं अज़ीज़ाने गिरामी, जिन जिन आयत इमाम ने सब आयतों का बताया का इन्नमा युरीदुल्लाह, शिया सुन्नी किताबों के अंदर मौजूद है, सरवर कायनात ने काले रंग की चादर उड़ाई, दाईं तरफ मौला अली छे, बाईं तरफ खातून जन्नत, सामने दोनों शहजादे। ये मैं सोचा करता था रसूल खुदा ने काली ही चादर क्यों उड़ाई, तो मेरी निगाहों में खाना काबा आ गया, तो मैं ये समझा कि अल्लाह ये बता रहा है ये पूरी मस्जिदुल हराम मेरा हरम है, जिस पे काला गिलाफ है वो मेरा बैत है, तो अल्लाह ने ये समझाया हरम और है बैत और है, अभी भी मजमा नहीं है, हरम और बैत और, हरम का एहतराम अपनी जगह, बैत बैत है, हरम का तवाफ नहीं है, बैत का है। पैगंबर ने भी काली चादर उड़ा के कहा अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहले बैती, परवरदिगारा ये हैं मेरे अहले बैत, हरम और हैं अहले बैत और हैं। मुश्किलों में जब गिरे, मुश्किलों में जब गिरे, मुश्किल कुशा तक आ गए, मुश्किलों में जब गिरे मुश्किल कुशा तक आ गए, और यूं हुआ महसूस मौलाना जैसे हम खुदा तक आ गए। मुश्किलों में जब घिरे मुश्किल कुशा तक आ गए, यूं हुआ महसूस जैसे हम खुदा तक आ गए। अभी हज ख़त्म हुआ है, हाजियों ने बैत देखा, हमने देखे अहले बैत, हाजियों ने बैत देखा, हमने देखे अहले बैत, वो हरम तक रुक गए, हम करबला तक आ गए। नारे हैदरी। मुकम्मल करूं मौजू को, अगर कहेंगे कि कल तक रख दूंगा तो जाने के रामी। अब ये हमारी तमाम किताबों में है, दोनों मकातिब फिक्र की किताबों में, कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा तशरीफ़ लाएं और हज़रत ख़त्मी मर्तबत से अर्ज़ करने लगें, अच्छा अज़ानो ली या रसूल अल्लाह, आप इजाज़त देते हैं या रसूल अल्लाह कि मैं भी चादर तले आ जाऊं? तो हबीब खुदा ने फरमाया अंथी अलल खैर, ए उम्मे सलमा आप खैर पे हैं, ये अहले बैत हैं, नहीं है मजमा। तो हबीब खुदा ने जौजा को एक मर्तबा कहा आप रुक जाइए, खैर पे हैं ये अहले बैत हैं। अज़ीज़ाने गिरामी हाथ जोड़ के पेश कर रहा हूं आपकी जबान में, क्योंकि मुझे दाद नहीं मिली, मजबूर कर रहे हैं मुझे। अब पैगंबर इस्लाम ने फरमाया ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ए उम्मे सलमा आप हैं रज़ी अल्लाह अन्हा, ये हैं अलैहिमुस्सलाम। एक मेरा जुमला मैंने किसी और मकाम पे कराची में पढ़ा था, आपने सोशल मीडिया पे सुन लिया होगा, लेकिन आज कहे बगैर नहीं रह सकता, ये आपकी नज़र है, मेरी तरफ से आपके लिए हदिया है। तो अज़ीज़ाने गिरामी तमाम के तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम, अज़वाज रसूल उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना, यही अल्फाज हैं, उन सबके और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के दरमियान में फ़र्क क्या है? सहाबा और तमाम अजवाज इंतजार करते थे आयतें आए हम अमल करें, आयत आई अकीमुस्सलात नमाज कायम करो, उन्होंने नमाज पढ़ी, आयत आई वातुज़ ज़कात ज़कात अदा करो, उन्होंने ज़कात दी, आयत आई वलिल्लाहि अलन नासे हिज्जुल बैते मन इस्तता इलैहि सबीला, सीने में दम नहीं है फिर भी पूरा सीना लगा रहा हूं, अल्लाह के घर का हज वाजिब है जो मुस्तती हो। सहाबा हज पे चले गए, या अय्युहल लज़ीन आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, ऐ ईमान वालों तुम पे रोजे फर्ज कर दिए गए,
उन्होंने रोजे रख लिए, आयत आई खुम्स दो, उन्होंने खुम्स निकाला, आयत आई जिहाद पे जाओ, वो जिहाद पे गए। वो आयतों के इंतजार में रहते थे, आयत आए तो हम अमल करें, आयत आई हिजरत करो, उन्होंने हिजरत की। आयतों के इंतजार में जो रहे सहाबा, आयतें जिनके इंतजार में रहे वो अहले बैत है। ये बिस्तरे रिसालत पे सोए तो आया था, ये तलवार खींचे तो आया था, ये राह खुदा में ज़कात दे तो आया था, ये राह खुदा में रोटियां दे। हैदरी तवज्जो फरमा रहे हैं सिदाने के। आयतें इंतजार में रहती हैं। मुकम्मल कर चुका हूँ पूरा जहन, एक जुमला आज पेश करना चाहता था वो मैं अब तक नहीं कह सका, पढ़ दूँ? बहुत वक्त गुजर गया है, पता नहीं कल तक जिंदगी रहे ना रहे। ये मैं यकीन मानिए आज पूरी मजलिस इस जुमले के लिए मैं तैयार करके लाया था कि बहुत से ये एक एतराज़ जिसका भी हो, नाम नहीं लूँगा और तौहीन मकसूद नहीं है, सिर्फ तसही मकसूद है। जिस किसी ने भी कहा है, कोई नाम ना पूछे मुझसे, कि भाई हज़रत अली अलैहिस्सलाम हर रात में 1000 रकत पढ़ते थे, आप 1000 रकत पढ़ें तो आप वैसे हो जाएंगे? माज़ल्ला, ये किसी ने, मैं नहीं कहता किसी ने कहा, मैंने कहा मुझसे ना पूछे। देखिए मैंने कहा ना, मैं इस जुमले का जवाब देने के लिए पूरी मजलिस तैयार करके लाया था, मैंने वहाँ तक बात को पहुँचा दिया। तो वो कहते हैं अगर 1000 रकत आप पढ़ें ना तो आप हज़रत अली जैसे हो जाएंगे। तो यानी इसका मतलब है कोई आदमी जाए, कोई हीरे की अंगूठी बनवा ले, फ़कीर से कह दे जोहर पर आ जाना, मैं नमाज पढ़ रहा होऊंगा, तुम भीख मांगना, मैं इशारा करूँगा, अंगूठी उतार के ले जाना, तो क्या आपकी शान में भी आयत आ जाएगी? पता नहीं लोग हैं या नहीं है, और पहुंच गए। अजीजाने गिरामी, अगर आप भी, भाई लोग तो चरगे मुर्गे बकरे बांट देते हैं, कोई आयत आ जाती है? सैयदा ने अपने घर की जौ की रोटियां फकीर को दी, सूरह हलाता आ गया। आले मोहम्मद से मुकाबला ना करो, अल्लाह की लानत पड़ेगी। सारे मजमे की तवज्जो रहेगी मेरे साथ, मैंने मुकम्मल कर दिया। अज़ीज़ाने गिरामी, दुनिया का उसूल है इंसान को, मैं इंशाल्लाह यही मुकम्मल करूँगा इमाम बारक अली रज़ा में, अल्लाह सुबहानहू व तआला हर शहीद बराबर नहीं, हर क़ारी बराबर नहीं, हर आलिम बराबर नहीं। जब इसी उम्मत के सब आलिम बराबर नहीं, हर क़ारी बराबर नहीं, तो फिर उम्मत आल के बराबर कैसे हो सकती है? अज़ीज़ाने गिरामी, तमाम शहदा भी बराबर नहीं हैं,
हत्ता शहदाए करबला 72 शहीद, ये भी सब बराबर नहीं है। इनमें कोई अब्बास भी है, इनमें कोई अली अकबर भी है। 5 मुहर्रम गुजर गई ना, 6 मुहर्रम की शब आ गई है। मुझे बताया गया बहुत दूर दूर तक लोग बैठे हैं, मुझे बताया गया कई किलोमीटर तक लोग हैं। जनाब सैयदा सबका आना कबूल फरमाए। ख़वातीन बच्चों को लेके आई हैं, मर्द आए हैं, बुज़ुर्ग आए हैं। मैं देख रहा हूँ कितने बुज़ुर्ग मौजूद हैं, बैठा नहीं जा रहा नदाने, कब से बैठे होंगे। आएँ ज़रा जनाब सैयदुश्शुहदा को पुरसा दें। उस शहीद का जिस शहीद से मौला हुसैन को सबसे ज़्यादा मोहब्बत है, तफसील से पढ़ पाऊँ। मेरी आपसे दरख्वास्त है, मैं सिर्फ मौला अली अकबर अलैहि सलाम की 4 विदाइयाँ पढ़ूँगा। अगर आपने फिर भी बर्दाश्त दिखाई तो शायद मैं शहादत पढ़ दूँ, नहीं तो मैं शहादत नहीं पढ़ूँगा। आप जानते हैं ना कि मासूम कभी भी किसी को वाजिब से नहीं रोकते। जिहाद वाजिब है, इमाम मौजूद हो, नबी और इमाम के सामने जिहाद वाजिब है। फिर ये नहीं सोचते कि ये जान दे देंगे हम, नहीं, इमाम नबी और इमाम की जान का बचाना वाजिब। ऐज़ाने गिरामी जनाब अली अकबर ने ज़ोहर के बाद कहा, बाबा जान इजाज़त है मैं मैदान कारज़ार में चला जाऊँ। जनाब सैयदुश्शुहदा ने आंखें भर के देखा और कहा, बेटा मेरी तरफ से तो इजाज़त है, अपनी फुफ्फी से, माँ से और भाई से इजाज़त ले लीजिए। मैंने तो भी शुरू किए हैं मसाइब, अगर देख सके तो सब मेरी तरफ देखिएगा। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की हदीस है, किसी ने पूछा, मौला ए जाफ़र सादिक बताइए दुनिया की सबसे ज़्यादा खुशी किस चीज़ में है। जानते हैं इमाम ने क्या फरमाया? इमाम ने फरमाया, दुनिया की सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ में है कि किसी इंसान का कोई बेटा पैदा हो और वो बेटा आँखों के सामने चलता फिरता रहे। माँ बाप को जवान बेटे को देखने में बड़ी खुशी महसूस होती है। कौन फरमा रहे हैं? सादिक आले मोहम्मद। इमाम कहते हैं माँ बाप को सबसे ज्यादा खुशी जवान बेटे को चलता फिरता देखने में होती है। उसी आदमी ने कहा, मौला ये बताइए दुनिया का सबसे ज्यादा गम किस चीज में। इमाम का चेहरा मुरझा गया। आपने फरमाया, जब वही जवान बेटा आंखों के सामने मारा जाए तो उससे ज्यादा गम किसी चीज में नहीं होता। अजरकुम अल्लाह। बस भाई एक मरतबा जनाब अली अकबर अलैहि सलाम ने इजाजत ली, बाबा इजाजत है। कहाँ बेटा, आप अपने भाई से, माँ फूफी से इजाजत ले लें। आए जनाब अली अकबर अलैहि सलाम उस खैमे में जहाँ सैयद सज्जाद एक चटाई पे लेटे हुए थे। इमामत का बचाना वाजिब था, लाजिम था ना, इसलिए अल्लाह ने उन पे गश तारी कर दिया ताकि बीमारी की वजह से दुश्मन इन्हें ना मारे। तो जनाब सैयद सज्जाद वहाँ बीमार पड़े थे। अगर देख सके तो देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद करके करबला चलिएगा। जनाब अली अकबर आए उस खैमे में जहाँ चटाई पे मौला सज्जाद लेटे हुए थे। बीमारों को कभी भी बिस्तर से नहीं गिराया जाता, लेकिन शाम गरीबा में आने वाले न जाने कैसे मुसलमान थे, बीमार को बिस्तर से गिरा दिया, बिस्तर लूट के ले गए। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। हाथ जोड़ के कह रहा हूं बर्दाश्त तहम्मुल से सुनिएगा। आज एक मरतबा जनाबे अली अकबर ने क्या किया, हाथ चूमा मौला सज्जाद का। क्यों? ये इमामत के वारिस है ना, ये इमामत के इसलिए हाथ चूमना शुरू किया। बड़े भाई हैं, हाथ चूमते हुए पेशानी तक आए। जैसे ही पेशानी चूमी ना जनाब अली अकबर अलैहि सलाम ने, किसकी? मौला सज्जाद की। तो आपके आंसू बहने लगे, आंसू गिरे मौला सज्जाद के चेहरे पर, मौला सज्जाद की आँख खोली। अब ये आंसू क्यों आ रहे थे मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा दिल कहता है जनाब अली अकबर सोच रहे होंगे, मैं तो हौज़े कौसर पे चला जाऊंगा शराबी के दरबार में, ये मेरा भाई अली और बतूल की बेटियों के साथ खड़ा होगा,
कूफा और शाम के बाजारों में ताजियाने। अजरकुम अल्लाह अजरकुम। बस भाई अभी सुन के मैं हाथ जोड़ा, मैं शहादत नहीं पढ़ूंगा। अगर आप ऐसे बेसब्री करेंगे ना, कोई बेहोश हो जाए, कोई मर जाए, मैं बहुत डरता हूँ। ऐजाने के रामी हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, अब जनाबे सैयद सज्जाद के जैसे ही पेशानी पे आंसू गिरने लगे, मौला सज्जाद की आंख खुली, पूछा, ए मेरे भाई अली अकबर, ऐसे कौन से मसायब आ गए, आप इस तरह से मुझे चूम रहे हैं, इस तरह से मेरे बोसे दे रहे हैं। सुने जनाबे अली अकबर अलैहि सलाम के जुमले, जनाबे अली अकबर ने फरमाया, ए मेरे भाई सज्जाद, बकिया अबूना गरीबन मजलूमन वहीदन अतशाना। ए भाई सज्जाद, हमारे बाबा बड़े मजलूम हैं, बहुत गरीब हो गए, अकेले रह गए हैं, बहुत प्यासे हैं, मैं बाबा पे कुर्बान होने जा रहा हूं, आपसे इजाजत लेने आया था। मौला सज्जाद ने कहा, ए मेरे भाई अली अकबर, अगर मुझे इजाजत मिलती ना, मैं भी बाबा पे कुर्बान हो जाता। एक मरतबा जनाब अली अकबर अलैहि सलाम ने फरमाया, नहीं भाई, भैया आप इमामत के वारिस हैं, आपका इम्तिहान और बड़ा इम्तिहान है। बस भाई मौला सज्जाद से विदा किया हजरत अली पे, ये पहली विदाई, दूसरी विदाई पेश करूं। आए मौला सज्जाद के खेमे से निकल के जनाब ज़ैनब के खेमे में, बीबी के खेमे में आए का फूफी अम्मा अली अकबर का सलाम, फूफी अम्मा इजाजत है, मैं जिहाद के मैदान में जाना चाहता हूँ। जनाब ज़ैनब के आंसू बहने लगे, कहा अली अकबर, माँ से इजाजत ले ली, लैला से इजाजत ली है, कहा फूफी अम्मा पहले आपके पास आया था, आप अली और बतूल की बेटी हैं, आपका मकाम ज्यादा है, आपकी अजमत ज्यादा है, पहले आपके पास आया। कहा बेटा पहले माँ से इजाजत ले लो। खुलासा कर रहा हूं, तीसरी विदाई किससे, मां से। आप जानते हैं ना, अगर जवान बेटा देर से घर आए तो मां कितनी मर्तबा दरवाजे पे जाती है, ना जाने मेरा लाल कहां रह गया, ना जाने क्या हो गया होगा। और अगर जवान बेटा कहे अम्मा मैं मरने जा रहा हूं, कितना मुश्किल है मां के लिए बर्दाश्त करना। जनाब अली अकबर अलैहि सलाम ने कहा, अम्मा इजाजत है। जानते हैं जनाब लैला का क्या जवाब है। बीबी ने एक मरतबा जनाब अली अकबर को देखा, आंसू बहने लगे और एक जुमला कहा, कहा अली अकबर बेटा मेरा आपके बगैर जीना बड़ा मुश्किल है। बेटा मैं आपके बगैर जी नहीं पाऊंगे। अली अकबर मैं जीते जी मर जाऊंगे। अली अकबर मैं आपको देखती हूं मेरी जान जो है, मेरा सांस चलता। अब जनाब अली अकबर ने मां को देखा, फिर कुछ सोचा, फिर एक जुमला कहा, कहा अम्मा अब मैं आपसे इजाजत नहीं मांगूंगा, लेकिन अम्मा मैं एक बात कहना चाहता हूं। मेरे लाल क्या बात है। अम्मा अगर रोजे कयामत मेरी दादी फातिमतु जहरा ने आपसे पूछ लिया, लैला मेरा हुसैन तो मारा गया था, आपने अपने अली अकबर को रोक लिया था, अम्मा आप मेरी दादी को क्या जवाब दीजिएगा। जनाबे लैला तड़पने लगी, अली अकबर आपने मुझे अच्छा सबक दिया, बेटा मैं समझ गई आपके बाबा का मकाम ज्यादा है, अली अकबर इजाजत है। रावी का नाम है हमीद इब्न मुस्लिम, ये शिया रावी नहीं है, वो खुद कहते हैं, कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा एक जवान जब इजाजत लेने खेमों में गया तो जितनी मर्तबा बाहर आना चाहता खेमे का पर्दा उठाता तो पर्दा गिर जाता। हमीद खुद कहता मैंने हुसैन से पूछा, ए हुसैन क्या बात है, अली अकबर बाहर क्यों नहीं आते खेमे से। तो इमाम हुसैन ने फरमाया, हमीद जब भी अली अकबर खेमे का पर्दा उठाते हैं बाहर आने के लिए, कभी मां लिपट के रोती है,
कभी फुफियां रास्ता रोक लेती हैं, कभी बहनें कहती हैं भैया मत जाइए, जो जाता है वापस नहीं आता। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मैंने तीनों विदाइयां पढ़ दी, चौथी विदाई उसके बाद अगर बर्दाश्त करेंगे तो शहादत पढ़ूंगा। चौथी विदाई, हमीद कहता है मैंने खुद देखा हुसैन इब्ने अली ने खैमे का पर्दा उठाया, खैमे के अंदर गए, अली अकबर का हाथ पकड़ा और एक मर्तबा कहा आने दो अली अकबर को, बीबियों को रोका, अली अकबर को बाहर ले आए। हमीद कहता है एक मर्तबा बाहर लाए, आपने देखा अरब में दस्तार बंदी होती है, जब बच्चा 6-7 बरस का होता है ना तो घर में दस्तार बांध देते हैं, ये बच्चा बड़ा हो रहा है, माओं की हसरतें होती हैं। अब मौला हुसैन ने क्या फरमाया होगा, अली अकबर जब आपने पहली मर्तबा दस्तार बांधी ना तो फुफी ने कहा मैं अली अकबर को दस्तार बांधूंगा। अली अकबर उसके बाद कभी माँ दस्तार बांधती थी, कभी फुफियाँ, जब बहनें बड़ी हुई तो वो जिद करने लगी आज मैं भैया को दस्तार बांधूंगी। अली अकबर मैं सोचा करता था कभी मैं भी अली अकबर को दस्तार बांधूंगा। जनाब अली अकबर बड़े जवान थे, गैरतमंद थे, एक मर्तबा अपने बाबा को देखा, कहा बाबा अपनी हसरत पूरी कर लीजिए, मेरी तरफ देखिएगा सब। जनाब अली अकबर ने दोनों घुटने जमीन पे रखे, कहा बाबा जान मेरे सर पे अमामा बांध दे, देखिए मौला हुसैन ने कैसे दस्तार बांधी। मौला ने दस्तार बांधना शुरू की, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिदान बिकज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रे। बस कर दे, रोके मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मैंने पहले ही कहा था मैं शहादत नहीं पढ़ूंगा, अभी रुक जाए, अभी ज़ियारत नहीं आएगी, पढ़ूं? कोई हाथ जोड़ के कह रहा मत पढ़ें, कोई कहता है पढ़ दो। मेरी तरफ देखिएगा, मौला हुसैन ने अमामा बांध दिया, खुद मौला आए तशरीफ लाए, बेटे जवान बेटे का बाजू पकड़ा, कहा अली अकबर मैं सवार कराऊंगा। बूढ़े बाप ने जवान अली अकबर का बाजू पकड़ा, घोड़े पे सवार कराया, एक जुमला कहा अली अकबर बेटा जब तक जंग शुरू ना ना हो जाए मुड़ मुड़ के मुझे चेहरा दिखाते रहिएगा। जनाबे अली अकबर ने घोड़े को एड़ लगाई, आगे बढ़े, अब जब पीछे मुड़ के देखा ना तो जनाबे अली अकबर ने देखा जैसे जैसे घोड़े की रफ्तार तेज होती है वैसे वैसे मौला तेज से जा रहा है। जनाबे अली अकबर ने कहा बाबा मत आइए मेरे पीछे, मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती। हाथ जोड़ के कह रहा रुक जा। हाथ जोड़ के मेरी दरख्वास्त है, पता नहीं मैं अगले साल जिंदा रहूं ना रहूं, मेरा दिल करता मैं जनाबे अकबर की शहादत पढ़ दूं, मेरे दिल में हसरत ना रहे। बस भाई जनाबे अकबर ने जब रोका ना अपने बाबा को, कहा बाबा मत आइए मेरे पीछे, बाबा मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करते, मेरे बुजुर्ग बाबा मेरे पीछे पीछे चले। तो जनाबे सैयदुल शहदा ने कहा अली अकबर आप नहीं समझ सकते, बेटा आपका अगर अली अकबर जैसा जवान बेटा होता तो आपको समझ में आता मेरे दिल पे क्या बीत रही है। दो मिनट भाई, वक्त तमाम हो गया, हाथ जोड़ के दरखास्त है आखिरी जुमला सुन लीजिए। अच्छा जाने के बस भाई दो मिनट बस, हर शहीद करबला ने मौला हुसैन को मदद के लिए बुलाया, बड़ी जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूं, हर शहीद करबला ने, हर
सहाबी ने मदद के लिए बुलाया, हजरत हबीब ने मदद के लिए बुलाया, हजरत मुस्लिम इब्ने औसजा ने, ओनो मोहम्मद ने, हजरत कासिम ने, हत्ता हजरत अब्बास ने कहा मौला मदद को आइए। लेकिन जब जनाब अली अकबर के बरछी लगी, आपने कहा बाबा मत आइएगा, बाबा बूढ़े बाप जवान बेटे का मामला मत आइए। वाह अली अकबर, आ